सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। और आज हम 124 और 125 नंबर के दो श्लोकों को पढ़ने जा रहे हैं। और चूंकि इन दोनों श्लोकों में एक ही विषय को प्रतिपादित किया गया है, बताया गया है, इसलिए दोनों श्लोक एक साथ लिखे हुए हैं और एक साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो इन श्लोकों में संलेखना धारण करने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इसके विषय में बतलाया गया है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इसका उच्चारण कर लेते हैं। स्नेहम वैरम संगम, स्नेहम वैरम संगम, परिग्रहम चापहाय शुद्ध मनाः, परिग्रहम चापहाय शुद्ध मनाः, स्वजनम परिजनमपिचा, स्वजनम परिजनमपिचा, क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः, क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः। फिर नीचे भी पढ़ लेते हैं। आलोच्य सर्वमेनः, आलोच्य सर्वमेनः, कृतकारित मनुमतम, कृतकारित मनुमतम च निर्व्याजम, निर्व्याजम, कृतकारित मनुमतम च निर्व्याजम। आरोपयेन महाव्रत, आरोपयेन महाव्रत, मामरणस्थायी, मामरणस्थायी, निःशेषम, निःशेषम, मामरणस्थायी, निःशेषम। चलिए इसको पूरा पढ़ लेते हैं। स्नेहं वैरं संगम, स्नेहं वैरं संगम, परिग्रहं चापहाय शुद्ध मनाः, स्वजनं परिजनमपि च, क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः। आलोच्य सर्वमेनः, कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम्। आरोपयेन्महाव्रत, आरोपयेन्महाव्रत, मामरणस्थायिनी शेषम। क्या कह रहे हैं इसमें कि स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम, स्नेह अर्थात प्रेम प्रीति या राग ममत्व परिणाम, वैरम अर्थात द्वेष परिणाम, संगम अर्थात परिग्रह, संग का अर्थ जैसे परिग्रह होता है लेकिन यहाँ पर संगम का अर्थ है ममत्व परिणाम, अर्थात जिसे हम अपनापन कहते हैं, अपने भाई बहन स्त्री पुत्र आदि के प्रति जो ममत्व होता है उसकी बात यहाँ पर कही जा रही है। तो क्योंकि परिग्रह अलग से दिया हुआ है इसलिए हम इस संग को इस प्रकार से लेंगे कि मोह जो हमें अपनों के बीच में हो जाता है, तो मोह को फिर परिग्रह, तो सिंपल है परिग्रह को च अपहाय, अपहाय मतलब छोड़ करके, दूर करके, शुद्ध मनाः, शुद्ध मन वाले ऐसे जो संलेखना धारण करने वाला व्यक्ति है उसको, स्वजनम परिजनम अपिच, स्वजनम अर्थात अपने कुटुंबी या अपने जो घर के लोग होते हैं उनको, परिजनम अपि और जो बाहर के लोग हैं, है ना, परिजन मतलब वैसे कुटुंब के लोग होता है परिवार, और स्वजन मतलब अपने घर के लोग हो जाएंगे। तो परिजनम अपि चा क्षान्त्वा अर्थात क्षमा करा करके, करके नहीं वैसे, क्षान्त्वा मतलब क्षमा करके, स्वयं उनको क्षमा करें, लेकिन यहाँ पर क्षान्त्वा का अर्थ क्षमा करा करके, पहले उनसे क्षमा मांगें, उनसे कहें कि भाई हमें क्षमा करें, फिर क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः, और प्रियैर्वचनैः प्रिय वचनों के द्वारा क्षमयेत् क्षमा कर देना चाहिए। जो संलेखना धारण करने वाला व्यक्ति है उसको शुद्ध मन वाला बन करके, शुद्ध मन धारण करते हुए, स्नेह वैर मतलब राग और द्वेष दोनों, संगम मोह
परिग्रह और परिग्रह को दूर करके और अपने और अपने परिवारजन सभी लोगों से प्रिय वचनों के द्वारा क्षमा धारण करते हुए और क्षमा मांगना चाहिए या क्षमा कराते हुए स्वयं उनको क्षमा करना चाहिए। अर्थात यहाँ पर मुख्य बात यह है कि संलेखना धारण करते हुए या करने के पहले हमें अपनी तरफ से सबसे क्षमा याचना कर लेना चाहिए और स्वयं को भी हर व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए कि आपने क्या गलती की, क्या जो भी हो आज के बाद उन सबको क्षमा करते हैं। ठीक है, नीचे कहते हैं आलोच्य सर्वमेन कृत कारित मनुमतम च निर्व्याजम। आलोच्य अर्थात आलोचना करते हुए, आलोचना करके या फिर प्रायश्चित लेकर के सर्वम एनः, यहाँ निकलेगा सर्वम एनः, एनः मतलब पाप, सर्वम मतलब सभी, सभी पापों को, सभी पापों की आलोचना करते हुए कैसे कृत कारित अनुमतम, कृत कारित और अनुमोदना के द्वारा, कृत मतलब स्वयं करना, कारित दूसरे से करवाना, अनुमतम मतलब समर्थन देना किसी चीज़ का, तो कृत कारित अनुमोदना के द्वारा और निर्व्याजम, ब्याज बोलते हैं छलकपट को, निर्व्याजम मतलब छलकपट रहित होकर के आरोपयेन महाव्रत, महाव्रत आरोपयेत धारण करना चाहिए, आरोपयेत आरोपित करना चाहिए, धारण करना चाहिए महाव्रत, महाव्रतों को मामरणस्थाई, यहाँ पर मामरण लिखा है तो महाव्रतम में माँ जुड़ जाएगा तो बचेगा आमरण, आमरणस्थाई अर्थात मरण पर्यंत तक स्थित रहने वाला, परमानेंट है ना, दो चार दिन के लिए नहीं, आमरण स्थाई रहने वाला ऐसा जो महाव्रत है उसको धारण करना चाहिए। और निःशेषम, निःशेषम मतलब सभी संपूर्ण, महाव्रत मतलब महाव्रतों को, तो पांच महाव्रत होते हैं तो सभी महाव्रतों को जीवन पर्यंत के लिए आरोपयेत, आरोपयेत ना का ता हो जाएगा, ना की जगह पर संधि विच्छेद करेंगे तो आरोपयेत आरोपित करना चाहिए। क्या कह रहे हैं इसमें, इसमें ये कह रहे हैं कि जब सबसे क्षमा मांग लेंगे, सबसे क्षमा, सबको क्षमा कर देंगे, इसके बाद छल कपट रहित होकर के बिल्कुल बिना किसी चालाकी के, बिना किसी चतुराई के और मन वचन काय और अनुमोदना के द्वारा सभी पापों की आलोचना करते हुए और संपूर्ण महाव्रतों को जीवन पर्यंत के लिए धारण करेंगे। तो यहाँ पर अंत समय में महाव्रत धारण करने के लिए बताया गया है कि संलेखना धारण करते समय महाव्रत जरूर धारण करना चाहिए, भले आप एक दिन के लिए ही क्यों ना करें, लेकिन एक दिन के लिए भी महाव्रत धारण कर लेंगे तो आपका मुनिपना बन जाएगा, है ना। तो कहते हैं कि यदि आपने एक दिन महाव्रत धारण करके और आहारचर्या पूरी कर ली तो समझ लीजिए कि आपने महाव्रत धारण कर लिए हैं, लेकिन आहारचर्या आपकी होना चाहिए एक दिन, तभी आपके महाव्रत पूरे माने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, नीचे काफ़ी कुछ बताया गया है। देखिए टीका अर्थ पढ़ लेते, पहले उपकारक वस्तु में जो प्रीति का संस्कार होता है उसे स्नेह कहते हैं, जो हमारा अच्छा करने वाली वस्तु है उसके प्रति जो हमारा प्रीति परिणाम होता है, प्रेम भाव होता है, वो स्नेह है। और अनुपकारक वस्तु में जो द्वेष का संस्कार होता है उसे वैर कहते हैं। स्त्री पुत्रादिक मेरे हैं और मैं इनका हूँ, इस प्रकार के ममेदम भाव को संग कहते हैं। ममेदम ये मेरा है, ममत्वपने का भाव है ना, वो संग कहलाता है। और बाह्य और अंतरंग के भेद से जो परिग्रह दो प्रकार का होता है वह सभी लोग जानते हैं। तो संलेखना धारण करने वाले व्यक्ति को, उस पुरुष को इन सब को छोड़ करके निर्मल चित्त होता हुआ मधुर वचनों के द्वारा स्वजन तथा परिजन दोनों को क्षमा करें और दोनों से अपने आप को क्षमा करावे।
जो पाप स्वयं किया जाता है उसे कृत कहते हैं, जो दूसरे के द्वारा कराया जावे उसे कारित कहते हैं, और किसी दूसरे के द्वारा जो किए हुए पापों को मन से अच्छा समझा जाता है उसे अनुमत कहते हैं। इन सभी पापों की निश्चल भाव से आलोचना करना मरण पर्यंत स्थिर रहने वाले अहिंसादि महाव्रतों को धारण करे। जो आलोचना 10 दोषों को बचाकर की जाती है वह निश्चल आलोचना कहलाती है। आलोचना के 10 दोष इस प्रकार हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से आलोचना करने का जो है ना उस पर जोर दिया जा रहा है कि आलोचना अपने पापों की जरूर करना चाहिए, और वह आलोचना भी 10 प्रकार के दोषों से दूर रह के होना चाहिए। तो कौन कौन से हैं दोष? तो कहते हैं आकंपित, अनुमानित, दृष्ट, बादर, सूक्ष्म, छन्न, शब्दाकुलित, बहुजन, अव्यक्त और तत्सेवी। ये आलोचना के 10 दोष हैं। अर्थात आलोचना तो हम कर रहे हैं लेकिन इन चीज़ों से दूषित आलोचना कर रहे हैं, या ये कह लीजिए कि हम शुद्ध आलोचना नहीं कर रहे हैं, कुछ उसमें मायाचारी टाइप की कर रहे हैं, दूषित है। कैसे? देखो, गुरु के सम्मुख दोष प्रकट करने के पूर्व ऐसा भय उत्पन्न होना कि कहीं आचार्य अधिक दंड ना देवें, अथवा अपनी दयनीय मुद्रा बनाकर दोषों को कहना, इससे गुरु के हृदय में अपने प्रति दया भाव उत्पन्न हो जाए और उसे कठोर दंड ना देवें, इसे आकंपित दोष कहते हैं, है ना? कि अरे गुरु बहुत कठोर दंड देते हैं तो पहले डर जाना, फिर उनके सामने आकर के इतनी दयनीय स्थिति प्रदर्शित कर देना कि गुरु दया का पात्र समझ करके ज़्यादा कठोर दंड ना दे, तो इसको कहते हैं आकंपित। फिर दूसरे के द्वारा अनुमानित, ये अनुमानित दोष कि संभावना में आए हुए दोष का निवेदन करना, अथवा गुरु इस समय प्रसन्न मुद्रा में है या रोष मुद्रा में है इसका अनुमान लगाकर प्रसन्न मुद्रा के समय दोष कहना अनुमानित दोष है। समझ रहे? आज दोष किया है और आज देखा कि अरे गुरु महाराज आज बहुत गुस्से में दिख रहे हैं, या फिर उनका मन आज प्रसन्न नहीं है, किसी और ने गलती कर दी है तो आज ज़्यादा ही दंड दे रहे हैं, तो आज उनको बताया ही नहीं, फिर कल देखा कि आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, तो आज बता देते हैं शायद कम दंड मिलेगा, तो इसे कहेंगे अनुमानित, अनुमान लगाना कि कब प्रसन्न है कब नहीं ऐसा। फिर जो दूसरों के दोषों के देखने में आ चुका है उसकी आलोचना करना तथा जो किसी में नहीं देखा उसे प्रकट नहीं करना, ये दृष्ट दोष है, है ना? जब किसी को नहीं पता चला तो बताया ही नहीं, और किसी को पता चल गया वही अकेला बताया, तो ये दृष्ट दोष है। स्थूल दोषों की आलोचना करना तथा सूक्ष्म दोषों की आलोचना नहीं करना, ये भी। साथ ही यह भावना रखना कि जब स्थूल दोष नहीं छिपाता तब सूक्ष्म दोष क्या छिपाएगा, इसे बादर दोष कहते हैं, ठीक है? सूक्ष्म दोषों की आलोचना करना तथा स्थूल दोषों की आलोचना नहीं करना। साथ ही यह भावना रखना कि जब सूक्ष्म दोष नहीं छिपाता स्थूल दोष क्या छिपाएगा, सूक्ष्म दोष है ये, सूक्ष्म दोष है, ठीक है? तो स्थूल दोष और सूक्ष्म दोष दो हो गए। आचार के आगे अपराध को स्वयं प्रकट नहीं करना, ये छन्न दोष है, है ना? किसी दूसरे से पता चलना। संग आदि के द्वारा किए हुए कोलाहल के समय दोष प्रकट करना और शब्दाकुलित दोष है कि बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं उसी समय बोल देना, आचार्य जो हैं वो सही से सुनी नहीं पाए, तो ये शब्दाकुलित दोष है। जिस समय पाक्षिक चतुर्मासिक आदि प्रतिक्रमणों के समय संघ के समस्त साधु अपने अपने दोष प्रकट कर रहे हों उसी कोलाहल में बहुत जनों के साथ दोष प्रकट करना बहुजन दोष है। बहुत सारे लोग दोष प्रकट कर रहे हैं उन्हीं के साथ में आपने भी कर दिया। अथवा गुरु के द्वारा दिए हुए प्रायश्चित्य को अन्य बहुत जनों से पूछना कि यह उचित है या अनुचित, ये भी बहुजन दोष है कि अरे मुझको आचार्य जी ने ये वाला दोष दिया, ए वाला प्रायश्चित दिया, ये सही है क्या, इतना ज़्यादा सही है क्या, आप 10 लोगों से पूछ रहे हो कि ऐसा करना चाहिए क्या आचार्य को, तो ये बहुजन दोष है। कहने का मतलब है कि किसी को नहीं बताना चाहिए कि हमें क्या प्रायश्चित मिला है, आराम से उसको स्वयं प्रायश्चित ले लेना चाहिए, है ना? और यदि कभी बताना भी है तो ठीक है, नॉर्मल तरीके से आप बता सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बताना कि पूछना कि भाई ये सही दिया कि गलत दिया, ऐसा नहीं। अव्यक्त रूप से अपराध कर कहना, अर्थात
स्वयं मुझसे यह अपराध हुआ है ऐसा ना कहना, है ना। जैसे अपराध तो स्वयं ने किया लेकिन दूसरे का नाम लेकर के, किसी व्यक्ति ने ऐसा दोष किया तो उसे क्या प्रायश्चित होना चाहिए, फिर उन्होंने बताया तो स्वयं ने धारण कर लिया, तो ऐसा होता है, तो ऐसा भी दोष कहलाएगा, है ना, कि स्वयं का दोष आप छिपा रहे हैं, तो यह अव्यक्त दोष होगा। जिस अपराध को प्रकट कर प्रायश्चित लिया है उस अपराध को पुनः पुनः करना अथवा जो अपराध हुआ है उसी अपराध को करने वाले आचार्य से प्रायश्चित लेना, और साथ ही यह अभिप्राय रखना जब आचार्य स्वयं यह अपराध करते हैं तब दूसरे को क्या दंड देंगे, ये तत्से भी दोष है, है ना। इसमें दो बातें हैं, पहली ये कि आप बार बार वही अपराध रिपीट कर रहे हैं, प्रायश्चित भी ले रहे हैं और अपराध भी रिपीट कर रहे हैं, तो ये भी दोष है, है ना, कि ये समझ लो कि आप अभ्यासी हो गए हैं उस दोष के, कि फिर दोष किया फिर प्रायश्चित लिया, फिर दोष किया फिर प्रायश्चित लिया। और दूसरा है कि जो आचार्य स्वयं उस दोष से दूषित हैं उन्हीं से आप प्रायश्चित ले रहे हैं, ये सोच करके कि वो खुद वो दोष करते हैं तो वो हमें क्या प्रायश्चित देंगे, ये भी तत्से भी दोष है। तो संलेखना को धारण करने वाले मनुष्य को स्नेह वैर संग और परिग्रह त्याग कर स्वजन परिजन सबसे क्षमा मांगता है तथा सबको क्षमा करता है, क्योंकि कषाय को कृष करना ही संलेखना का लक्ष्य है। जिस प्रकार निरोग होने का इच्छुक मनुष्य अपने सब प्रकार के रोग वैद्य के सामने प्रकट कर उसकी आज्ञानुसार प्रवृत्ति करता है, उसी प्रकार संलेखना धारण करने का इच्छुक मनुष्य अपने सब प्रकार के पापों की निश्चल भाव से आलोचना कर निश्चल हो जाता है तथा जीवन पर्यंत के लिए अहिंसा आदि महाव्रतों को धारण करता है। यह महाव्रत धारण करने की बात उत्कृष्टता की अपेक्षा है, यदि शक्ति की हीनता है तो एलक छुल्लक आदि का व्रत भी लिया जा सकता है। ठीक है, शक्ति है तो महाव्रत धारण करें संलेखना में, यदि शक्ति नहीं है कम शक्ति है तो फिर एलक छुल्लक के जो व्रत हैं वो धारण कर सकते हैं संलेखना में, है ना। तो कोई ना कोई व्रत जरूर होना चाहिए। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।